सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लिंथ बीम की रेनफोर्समेंट से रिलेटेड, है ना। तो अगर अपन इंजीनियर एज ए साइट इंजीनियर साइट पे वर्क करें तो अपने को कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कि अभी भाई साहब रिंग इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ हुक जो है वो कॉम्प्रेशन जोन में ऊपर साइड में रहे और हुक अल्टरनेटिव प्लेस करें लेफ्ट और राइट में, राइट। उसके बाद ये प्लेस करने का तरीका हो गया। उसके बाद जो है उस हुक जो अपने स्टीरअप है उसको अपन टाई करेंगे, वहाँ पर भी नोटिस करना है कि बराबर हुक जो है वो अल्टरनेटिवली लेफ्ट और राइट में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ अपने को बिल्कुल ध्यान से देखनी, जब वो इंसर्ट कर रहे होते हैं मेन बार के अंदर में तभी ये चीज़ अगर वो आसानी से देख लेते अपन तो फिर वहाँ गलती होने का चांस नहीं रहता, रिंग खोलनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब सारी स्टीरअप्स को बाइंडिंग वायर से टाइप किया जाएगा उसके बाद में जो है ये बेंट अप बार प्रोवाइड करती है। तो स्टीरअप्स को प्रॉपर स्पेसिंग चेक करने के बाद में, हुक की अल्टरनेटिव पोजिशन चेक करने के बाद में एक चीज़ अपने को ध्यान देना होता है, वो है बेंट अप बार से रिलेटेड। तो ड्राइंग में अपने को देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ बेंट अप बार दिया है, कितना डायमीटर है, वो चीज़ सारी नोटिस करने के बाद में अपन एक मेन फैक्टर जो है वो देखना होता है कि कितनी लेंथ पे बार को बेंट करने के लिए ड्राइंग पे बोला गया है, राइट। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरल प्रैक्टिस में जो होता है वो L/4 पे अपन बार को बेंड करते हैं, राइट। सो वो चीज़ अपने को नोटिस करना है कि अपने ड्राइंग में कितने लेंथ के बाद बेंड करने के लिए बोला है और बार बेंडर ने उसी लेंथ पे उसको बेंड किया है या नहीं किया है, वो भी एक चीज़ अपने को यहाँ पे नोटिस करनी होती है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट लेंथ, है ना। एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए जब बार की कटिंग लेंथ अपन कैलकुलेट करेंगे तो उस समय पे दोनों एंड पे एंड कॉलम पे उसका डेवलपमेंट लेंथ आना जरूरी होता है। तो ये भी चीज़ अपने को नोटिस करना होता है कि प्रॉपर एंकरेज के लिए डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं साइड पे, और जो दो डेवलपमेंट सॉरी जो दो बेंट अप बार है उनके आपसी की आपस में स्पेसिंग भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना, वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये था रेनफोर्समेंट से रिलेटेड प्लिंथ बीम की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।